नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। तो फटाफट कीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। महीने भर पहले राज कुंद्रा का नाम पॉन रैकेट में सामने आया, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। नाम भले ही राज का इस मामले में आया था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग राज की पत्नी शिल्पा शेट्टी को बुरी तरह ट्रोल करने लगे थे। शिल्पा उस वक्त सोनी पर एयर होने वाले सुपर डांसर 4 में जज थी, लेकिन राज के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने शो से ब्रेक ले लिया। हाल ही में उन्होंने शो में बतौर जज वापसी की है। राज के विवादों में आने के बाद से शिल्पा सोशल मीडिया पर भी इनएक्टिव हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों से वो फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रही हैं। शिल्पा की 26 अगस्त को इंस्टाग्राम पर लगाई एक स्टोरी इस वक्त वायरल हो रही है। शिल्पा ने एक किताब के पन्ने की फोटो अपलोड की है एक स्टिकर के साथ, जिसमें लिखा है, गलती हुई लेकिन ठीक है। बुक पेज के हेड पर इटालियन एक्ट्रेस सोफिया लॉरेन का कोट लिखा हुआ है, गलतियां उस किश्त का हिस्सा हैं जिसे हम पूर्ण जिंदगी जीने के रूप में अदा करते हैं। आगे किताब में लिखा है, हम अपने जीवन को रोचक नहीं बना सकते अगर हम यहाँ वहाँ थोड़ी गलतियाँ नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो गलतियाँ खतरनाक ना हों, ऐसी गलतियाँ ना हों जिससे दूसरों को दुख या हानि पहुँचे, लेकिन वहाँ गलतियाँ ज़रूर होंगी। हम अपनी गलतियों को उन चीज़ों के रूप में देख सकते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, या उन गलतियों को इंटरेस्टिंग चुनौतीपूर्ण अनुभव के रूप में भी देख सकते हैं। गलतियों की वजह से नहीं, उन गलतियों से हमने क्या सीखा उस वजह से। मैं आगे भी गलतियां करूंगी, अपने आप को माफ कर दूंगी और सीख लूंगी। जानते हैं कौन है सोफिया लॉरेन। सोफिया इटली की सबसे प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं। इस वक्त 86 साल की हैं, लेकिन आज भी उन्हें इटली की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। 1960 में रिलीज हुई टू वुमेन के लिए सोफिया ऑस्कर भी जीत चुकी हैं। ऑस्कर के अलावा भी सोफिया ग्रैमी, गोल्डन ग्लोब जैसे कई बड़े अवार्ड्स जीत चुकी हैं। सोफिया राइटर भी हैं। उनकी चौथी किताब 2015 में पब्लिश हुई, Yesterday, Today and Tomorrow, My Life is Fairy Tale. ये सोफिया लॉरेन की ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब में सोफिया ने अपने पूरे जीवन का सार लिखा है। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बीच तंग हालातों में गुजरे अपने बचपन से लेकर स्क्रीन लेजेंड बनने तक के सफर, माँ बनने के अनुभव और अपनी गलतियों को इस किताब में लिखा है। शिल्पा आजकल इसी किताब को पढ़ रही हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी शुभम ने। अच्छा, जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि दी लल्लन टॉप पर हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बेहद आसान भाषा में समझाने वाला हमारा शो एक नया पैसा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।